धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपियों द्वारा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया जाकर पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में एवं SDOP कुक्षी दिलीप सिंह बिलवाल के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी कुक्षी ब्रजेश कुमार मालवीय के नेतृत्व में पुलिस द्वारा आरोपी गण वहाँ पिता इद्रिश जाति बोहरा उम्र 21 वर्ष निवासी कुक्षी, रोहित पिता राजेश सालवी उम्र 22 वर्ष निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कुक्षी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं इस संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा वीडियो वायरल किया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी कुक्षी ब्रजेश मालवीय, संतोष पाटीदार, आमिर अंसारी, प्रमोद वैस्ता सोलिया, जितेंद्र कुशवा, प्रदीप डावर, राहुल का विशेष योगदान रहा। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। सर, पिछले दिनों कुक्षी में एक वीडियो वायरल हो रहा था, क्या है पूरा मामला सर? पिछले दिनों पीड़िता के द्वारा असली वीडियो वायरल करने के संबंध में थाने पर सूचना दी गई थी, जिस पर से अपराध दर्ज किया गया था। और इसमें जो आरोपी गण थे जिनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, रोहित एवं ताहा, इनके जो ये निवासी कुक्षी के ही, इनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, जिनको गिरफ्तार किया गया हमारे द्वारा और इनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, क्या क्या धारा लगी इनके ऊपर? इनमें 354 लगी हुई है, पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और IT Act की धाराएं लगी, जो गंभीर धाराएं हैं। और मेरा लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के कोई भी अश्लील वीडियो आदि फॉरवर्ड न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।